हेलो, आप सभी कैसे हैं। अभी इस वीडियो में बिल्कुल आसान तरीके से स्टेप बाय स्टेप अपना HCF एंड LCM कैसे निकालेंगे सीखेंगे। तो यहाँ पर हम अपना कौन सा मेथड काम में लेंगे, प्राइम फैक्टराइजेशन मेथड यानी अभाज्य गुणनखंड विधि, जो कि बहुत पॉपुलर मेथड है। देखिए, बिल्कुल आसानी से समझने का प्रयास करेंगे, तो इस वीडियो को ध्यान से पूरा देखें। करना क्या है, देखिए बिल्कुल सिंपल, इनके सबके अभाज्य गुणनखंड कर देते हैं। तो 154 के अभाज्य गुणनखंड, 198 का अभाज्य गुणनखंड और 286 का अभाज्य गुणनखंड। अभाज्य गुणनखंड करने के लिए क्या करना है, अपनी अभाज्य संख्याओं का भाग देना है। अभाज्य संख्याएं कौन सी है, यहाँ लिखता हूँ मैं। देखिए, अभाज्य संख्या यानी प्राइम नंबर, 2, 3, 5, 7, 1 से लेकर 10 तक के प्राइम नंबर। सर्वप्रथम हम 2 से डिवाइड करते हैं, तो इसमें 2 का डिवाइड हो रहा है। देखिए, 2 का भाग कौन सी संख्याओं में होता है, जिन संख्याओं का इकाई अंक क्या हो, 0, 2, 4, 6, 8, इनमें से कोई हो, वे संख्या 2 से विभाज्य रहती है। तो ये 2 से विभाज्य है, यस, 2 का भाग दिया, कितने आ गए, 7 2 14 और फिर 7 2 14, और इसमें 2 का भाग जा रहा है, नहीं जा रहा है, तो किसका 7 का भाग जा रहा है, कितना, 1 बार 1 बार। आगे प्राइम नंबर कौन आएगा आपका, 11 13 17 और 19। तो 11 एक प्राइम नंबर, 11 में 11 का भाग 1 बार। फिर इसमें 2 का भाग जा रहा है, यस, कितना बार, 9 बार, 9 2 18 और 9 2 18। फिर इसमें 3 का भाग जा रहा है, कितना, 3 बार और 3 बार। फिर 3 में इसमें 3 का भाग जा रहा है, 1 बार और 1 बार। फिर इसमें 11 का भाग जा रहा है, कितना, 1 बार। इसमें 2 का भाग जा रहा है, यस, कितना, 1 बार, 4 बार और 3 बार। क्या इसमें भाग जा रहा है, 2 का नहीं जा रहा है, 3 का देखें, 3 का भी नहीं जा रहा है, 5 का देखें, 5 का भी नहीं जा रहा है, 7 का देखें, नहीं जा रहा है, 11 का भाग जा रहा है, कितना, 1 बार और 3 बार। उसके बाद 13 एक प्राइम नंबर है, 13 में 13 का डिवाइड आपका 1 बार। तो हमारे पास 154 के फैक्टर क्या आ गए, 2 गुणा 7 गुणा 11। इसके 198 के फैक्टर क्या आ गए, देखिए सब एक एक बार है, तो इसका घात क्या लिखेंगे, एक एक लिखेंगे, ठीक है, जो जितनी बार आ रहा है उसका उतना घात हो जाएगा। 2 1 बार है, 3 2 बार है, तो 3 का घात 2। 11 कितना, 1 बार है, तो 11 का घात 1। उसके बाद 286, इसमें 2 आपका 1 बार है, 11 1 बार है और 13 भी 1 बार है। तो इस प्रकार से हमने हमने इन सब के क्या कर दिया, फैक्टर कर दिया। अब हमें HCF लेना है। तो HCF को याद रखने का ट्रिक कैसे याद रखेंगे, इसका फुल फॉर्म याद करो, क्या होता है, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर। HCF यानी कॉमन फैक्टर लेना है। तो कॉमन फैक्टर में ध्यान क्या रखेंगे, उसका न्यूनतम घात लेंगे, न्यूनतम घात का कॉमन फैक्टर। तो देखिए, इन सब में ऐसा फैक्टर कौन है जो यहाँ भी हो, यहाँ भी हो, यहाँ भी हो। तो मुझे दिखाई दिया कि 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद मुझे दिखाई दे रहा है कि 11 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है। उसके बाद 7 केवल यहाँ हैं, 3 केवल यहाँ हैं, यहाँ नहीं है, 13 केवल यहाँ हैं, इन दोनों में नहीं है, मतलब यही है। HCF इतना ही आ गया, कितना आ गया, 22, ठीक है। 2 का न्यूनतम घात कितना है, देख लो ध्यान से, 1 है, तो हमने 1 बार लिया। 11 का न्यूनतम घात कितना है, 1 है, तो हमने 1 बार लिया, ठीक है। अब हम LCM लेंगे। LCM में क्या लेते हैं, सभी फैक्टर लेने हैं। ध्यान क्या रखना है, या ऐसे समझ लो अधिकतम घात के सभी फैक्टर लेने हैं, अधिकतम घात लेना है, ऐसे समझो, ठीक है। तो 2 आपका 1 फैक्टर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। देखिए, 2 यहाँ भी है, यहाँ भी है, यहाँ भी है, लेकिन अधिकतम घात कितना है, 1 है। मैक्सिमम पावर कितना है, 1 है। उसके बाद 7 1 फैक्टर, इसका मैक्सिमम पावर 1 है। तो देखिए, 2 2 2 ले लिया। उसके बाद 7 को ले लिया, 3 आपका 1 फैक्टर, इसका अधिकतम घात कितना है, 2 है, ये लो 3 को ले लिया। उसके बाद 11 1 फैक्टर है, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है, ये लो 11 गया। उसके बाद 13 आपका 1 फैक्टर, इसका अधिकतम घात कितना है, 1 है। सभी फैक्टर आ गया, देख लो कोई बचा तो नहीं है, यस। अब हम इनका मल्टीप्लाई कर देते हैं। तो देखिए,
मल्टीप्लाई करते हैं तो 2 × 11 × 13 ये कितना आ जाएगा आपका, 286। 7 × 9, 3 की घात 2 कितना, 3 × 3 9, 7 × 9 कितना गया, 63। तो ये कितना आ जाएगा यहाँ से आपका, 18,018। ठीक है, तो इस प्रकार से हमने एलसीएम एंड एचसीएफ निकालना सीखा।